मेरा परिचय एक इतिहासकार के रूप में देते हैं, और आपको अगर बताऊं कि मेरा ट्रेनिंग कायम हुआ तो आपको हैरानी होगी, मैं फिजिशियन एमडी मेडिसिन पास किया। फिर ये इतिहास से मैं क्या उलझ पड़ा, मुझे क्या लेना देना था इतिहास से। तो दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें टूट गई। मुझे लगता था कि भाई इस देश में मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन ये सब चल रहे हैं, ये समाज को बदल देंगे, और वो सपना जो भगत सिंह ने देखा था, अम्बेडकर ने देखा था, गांधी ने देखा था, उस रास्ते पर हम चल पड़ेंगे। ये हिंदू मुसलमान का मामला क्या है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये ऊपरी मामला है। 6 दिसंबर के बाद कहीं मुझे चोट पहुंची और तब मैंने इतिहास को पढ़ना शुरू किया। और आज हैरानी की बात है, क्योंकि मैं ईमानदार रहना चाहता हूं अपनी बात के प्रति, आप ये मत समझिए कि मैं पेशे से इतिहासकार हूं, मैं इतिहास समझना चाहता हूं, क्योंकि आज इतिहास को नफरत का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है। याद रखिए, आज अगर इतिहास को इस प्रकार से नफरत का हथियार नहीं बनाया गया होता तो बहादुर शाह जफर की जयंती इतने कम पैमाने पर नहीं होती, इस बात को याद रखिए। ये इसीलिए है जो इतिहास के माध्यम से मुसलमानों को एक डेमोनाइज किया गया है, उनका दानवीकरण किया गया है, कि एक कुछ लोगों को मिलकर बहादुर शाह जफर, जिन्होंने पहली बार जंग आज़ादी का नेतृत्व किया, उसके लिए हमको लोगों को जमा करना पड़ता है। एक आध बार दो चार कार्यक्रम होते हैं, बहुत सराहनीय है, इसलिए ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं, दिल्ली में भी मेरे ख्याल से समीना बेगम ने इस प्रकार का कार्यक्रम किया, यहाँ आप लोग कर रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप एक बहुत बड़ी जो चीज़ को छुपाया जा रहा है और उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं।